सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देखेंगे और उस एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितनी आसानी से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा जा सकता है, उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को सीखा जा सकता है, ये सब हम इस सेशन में प्रयास करेंगे। ये सेशन जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम इस सेशन में उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रामर का डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये है आज का एडिटोरियल, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये इसका हेडिंग जो है वो है कॉशस बट फॉर्म। दो वर्ड हैं, देखिएगा, बट कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है बट। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्ट्री पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग विरोधाभासी बिंदुओं को जोड़ने के लिए, दो ऑपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, यानी ये अलग बात है और ये बिल्कुल क्या है, अलग है। क्या है, देखिएगा, कोशिश का मतलब होता है सावधान। कोशिश का मतलब होता है सावधान, वर्ड है ये, सावधान आप कह सकते हैं, सचेत आप कह सकते हैं, इसको कोशिश कहते हैं। ठीक है, कोशिश एक एडजेक्टिव है। क्या है भैया, एडजेक्टिव। देखो, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। एडजेक्टिव है कोशिश, और इसके जो सिमिलर वर्ड हो सकते हैं वो है केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल, यानी भी सावधान होता है। एक वर्ड होता है अवेयर, AWARE, अवेयर, केयरफुल, अवेयर, सावधान होता है। एक हीटफुल वर्ड होता है, आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, HEED, हीट, FUL, हीट, हीट यानी होता है ध्यान देना, और हीटफुल का मतलब होता है जो ध्यान देता है, केयरफुल होता है, अवेयर होता है। एक वर्ड इसका सामान्य जो वर्ड है वो हम लिख सकते हैं अलर्ट, ALERT, अलर्ट भी इसका एक शब्द हो सकता है, अटेंटिव शब्द हो सकता है, ATTENTIVE, अटेंटिव। आपके पास जितने ज़्यादा शब्द उतनी आपकी इंग्लिश ज़्यादा मजबूत, ये मान के चलिएगा। जितने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे, जितने ज़्यादा शब्दों की आपके पास क्षमता होगी, आप अपनी उतनी ही अच्छा लिख पाएंगे, उतना ही अच्छा बोल पाएंगे। ये है कॉशस, सावधान, लेकिन फर्म। फर्म यानी होता है स्ट्रांग। सावधान तो रहना है, लेकिन क्या रहना है, मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है। क्या रहना है, बहुत ही मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है। एडमेंटाइन एक वर्ड होता है, एडमेंटाइन का मतलब तो जो झुके नहीं। फर्म का मतलब क्या होता है, इनफ्लेक्सीबल होता है। मैं बताऊंगा एक किसका सेंस है, इनफ्लेक्सीबल एक वर्ड भी होता है इसका, NFLEXIBLE, इनफ्लेक्सीबल एक वर्ड होता है बेटा, जो झुके नहीं। एडमेंटाइन एक वर्ड होता है इसके लिए, ADMANTINE, एडमेंटाइन एक वर्ड होता है, ADMANTINE, एडमेंटाइन का मतलब होता है जो झुके नहीं, जो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। अभी किस सेंस में, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे, भारत और चाइना बॉर्डर पे जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, टेंशन है, वहाँ टेंशन की स्थिति बनी हुई, तनाव की स्थिति बनी हुई है। उस तनाव की स्थिति को देखते हुए ऑथर ने, लेखक ने लिखा है कि हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, लेकिन सावधान होने के साथ साथ हमें क्या रहना है, मजबूत भी रहना है, हमें किसी प्रकार से झुकने की आवश्यकता नहीं है। तो दो शब्द हमने देखे हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों शब्दों का हमने क्या देखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा है, दोनों को जो जोड़ा गया है उस कंजंक्शन को देखा हमने, कौन से प्रकार का कंजंक्शन है, ये एडवर्सेटिव प्रकार का कंजंक्शन है, वो कंजंक्शन जो ऑपोजिट नेचर के सेंटेंसेस या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा इसका टाइटल था। एक एक वर्ड को बेटा हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसको।
इंडिया मस्ट, इंडिया इसका सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसकी वर्ब पहचानना जरूरी है। ये इसकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। वे, वे का मतलब होता है किसी बात को नापना, तोलना, किसी बात को तोल के देखना, उसको वे कहते हैं। किसी बात का सही सही आकलन करना, उसको वे कहते हैं। इसी से एक वर्ड बनता है वेट, WEIGHT। क्या बनता है बेटा एक वर्ड? वेट बनता है। वेट जो कि क्या है, नाउन है, जबकि ये क्या है, वर्ब है। ये जो वर्ब है ये मस्ट मॉडल है। मॉडल सारे की सारी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मस्ट मॉडल का मतलब होता है कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी यानी बहुत आवश्यक जो होता है उसको कहते हैं वेरी नेसेसरी, जो बहुत ऑब्लिगेटरी। इंडिया मस्ट वे इट्स ऑप्शंस, भारत को अपने ऑप्शंस विकल्पों का ठीक से आकलन करना चाहिए, ठीक से उनकी जांच परख कर लेनी चाहिए। अगेंस्ट चाइना, किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। भारत के पास चाइना के खिलाफ जो जो ऑप्शन है उनको ठीक से नाप तोल कर देख लेना चाहिए, कौन से के फायदे हैं और कौन से के नुकसान हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी एक गलत निर्णय, कोई भी एक के जो ठीक से कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं होगा, उसके लंबे समय के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इंडिया सब्जेक्ट है बेटा, नाउन इंडिया, मस्ट वे इट्स, ये इट्स जो आया है किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया है, ठीक है। इंडिया का जो पजेसिव है उसको क्या लिखा हुआ है? इट्स। भारत को अपने ऑप्शंस, अपने जो विकल्प हैं उनको ठीक तरीके से नापतोल लेना चाहिए। अगेंस्ट इंडिया, भारत के सॉरी चाइना के खिलाफ। एंड और, ठीक है, ये जो एंड है और ये बट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बट का प्रयोग ऑपोजिट के लिए और एंड का प्रयोग जो सिमिलियर स्टेटमेंट्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या करना चाहिए? इंगेज, इंडिया मस्ट इंगेज, यहां तक है, देखिएगा, इंडिया मस्ट वे, ये वर्ब यहां है, इसको यहां भी शामिल कर लीजिएगा दूसरे सेंटेंस के लिए। एंड इंडिया मस्ट इंगेज, और भारत को इंगेज होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए इन वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशंस, विस्तृत, ये देखिएगा ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी इंडिया ही है, वाइडर और ज्यादा विस्तृत डोमेस्टिक, घरेलू, अपना जो आंतरिक है उसमें कंसल्टेशंस, उसमें उसको विचार विमर्श करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, ज्यादा कंसल्टेशन में विस्तृत रूप से कंसल्टेशन करना चाहिए। कहाँ? डोमेस्टिक लेवल पे, अपने आंतरिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर मतलब अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे भी और अधिक क्या कर लेना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का, इसकी हेडिंग और ये इसकी सब हेडिंग थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वाइडर जो है, ये वाइड की कंपेरेटिव डिग्री है, WID, वाइड, वाइड यानी चौड़ा, विस्तृत, और वाइडर उससे भी ज़्यादा व्यापक, जिसको आप लोग कहते हैं वाइडर, ये इसकी कंपेरेटिव डिग्री है। अगेंस्ट, ये प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ होना क्या होता है, अगेंस्ट होता है, तो ये प्रेपोजिशन है। एंड कंजंक्शन है, अब देखिएगा ये कंसल्टेशंस, ये नाउन है। एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा, जो भी चीज़ आपको ट्रांसलेशन में काम आती हो, जो भी चीज़ आप लोगों को एग्जाम में काम आती हो, सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करें। कंसल्टेशंस, कंसल्टेशन नाउन है और ये इसका क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया, कंसल्टेशंस है। फिर देखिएगा ये जो है डोमेस्टिक, तो कंसल्टेशन से पहले जो वर्ड आएगा यानी नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो निश्चित रूप से बेटा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा भाई वो? एडजेक्टिव होगा। कैसा कंसल्टेशन? आंतरिक मामलों में, आंतरिक कंसल्टेशन जो बताया हुआ है। ये वाइडर, ये भी क्या है, इसका एडजेक्टिव है, यानी एक नाउन से पहले एक से ज्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे देखिएगा, आफ्टर वीक्स ऑफ, आफ्टर बाद में, वीक्स ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, किसके बाद भी? आफ्टर वीक्स ऑफ,
किसके सप्ताहों के बाद, किसके बाद मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, ज्यादा डिप्लोमेटिक, मोर यानी ज्यादा, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक वर्डिंग यानी शब्दों के या फिर बातचीत के, यानी ज्यादा कूटनीतिक बातचीत के आफ्टर वीक्स ऑफ, उसके सप्ताह बाद, द स्टेटमेंट यानी सप्ताहों तक तो क्या रहा, वीक्स यानी दो सप्ताह मान लो, तीन सप्ताह मान लो, तब तक तो क्या रहा, डिप्लोमेटिक वर्डिंग रही, कूटनीतिक बातचीत करते रहे, यानी बातों को कूटनीतिक स्तर पर समझाते रहे, बट आफ्टर दैट, उसके बाद यानी आफ्टर वीक्स ऑफ इट, इसके किसके बाद में, डिप्लोमेटिक बातों के बाद, सप्ताह बाद, द स्टेटमेंट बाय, एक स्टेटमेंट आया बाय किसके द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये देखिएगा, स्टेटमेंट हम जानते हैं किसका स्टेटमेंट है, इसको डेफिनेट किया हुआ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया, आर्टिकल दे पिला दिया। किस स्टेटमेंट की बात करें हमें, वो स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के द्वारा जो आया, कब आया, ऑन June 26, कब आया भाई, वो स्टेटमेंट कब आया, कहाँ से आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आया, कब आया, June 26 आया, अपीयर्स टू सिग्नल दैट, ऐसा प्रतीत होता है, वो कौन प्रतीत होता है, ऐसा जो स्टेटमेंट आया है, टू सिग्नल, संकेत देता हुआ, दैट की पेशेंस इन डीलिंग विद बीजिंग, कि बीजिंग के साथ डील करने में पेशेंस, पेशेंस का मतलब जो धैर्य है, इज रीचिंग अ डेड एंड, इज रीचिंग, वो पहुंच रहा है कहाँ, एक मृत अंत तक पहुंच रहा है, यानी वो पेशेंस क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, यानी अब उसके साथ डील करने में जो पेशेंस था, वो पेशेंस जवाब दे रहा है, पेशेंस अपने अंत तक पहुंच रहा है, यानी अब और कोई पेशेंस बचा हुआ नहीं दिखता है। देखिएगा, सेंटेंस कहां से कहां तक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये यहां से यहां तक सेंटेंस है पूरा, और इस सेंटेंस में हम देखेंगे दो तीन वर्ब यूज हुई हैं, दो तीन सब्जेक्ट हैं, कहीं कौन से के लिए कौन सी वर्ब यूज, सब समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहले इसमें ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये एडवर्ब है, किसके बाद, डिप्लोमेटिक वर्डिंग, सप्ताह की डिप्लोमेटिक वर्डिंग की बात, द स्टेटमेंट ये सब्जेक्ट है, द स्टेटमेंट ये सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन जून, अपीयर्स ये जो वर्ब है, अपीयर्स प्रकट होता है, उसके लिए सब्जेक्ट कौन है, द स्टेटमेंट है, ये इसके लिए सब्जेक्ट है, द स्टेटमेंट ये इसका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए देखिएगा ये अपीयर्स वो प्रतीत होता है, टू सिग्नल ये सिग्नल करता हुआ, दैट की पेशेंस ये इन डीलिंग विद बीजिंग, इसके लिए जो इज वर्ब आई है, इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, ये पेशेंस है, कौन है भैया, पेशेंस है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें दो सब्जेक्ट, दो क्लोज होती हैं, दो वर्ब होती है, तो ये पेशेंस इज, ये पेशेंस है, यहाँ इज रीचिंग अ डेड एंड, कौन पहुंच रहा है डेड एंड की तरफ, ये पेशेंस पहुंच रहा है, तो ये इज जो है ये किसके लिए है, इस पेशेंस के लिए, ठीक है। मुझे लगता है चीजें आप लोगों को ठीक से समझ आ गई होंगी, आगे बढ़ते हम, द स्टेटमेंट सेड, फिर देखिए आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है, क्यों, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, द स्टेटमेंट सेड पब्लिकली, स्टेटमेंट में पब्लिकली ऐसा कहा है, क्या कहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस कब से, सिंस प्रपोजिशन है, कब से, सिंस रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ की रिपोर्ट से, तब से लेके अब तक की पहली बार हुआ है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद की जो स्थिति होती है, गतिरोध की जो स्थिति होती है, किसकी स्थिति बेटा, गतिरोध की जो स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है, द स्टेटमेंट सेड पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंड ऑफ, जब से रिपोर्ट आई है किसकी, स्टैंड ऑफ की, तब से पहली बार आई है, दैट की चाइना बिल्ड अप, सॉरी चाइनीज बिल्ड अप एंड क्लैशेस विद इंडियन ट्रूप्स, क्या कहा है, क्या सिग्नल है, दैट की चाइनीज बिल्ड अप,
चाइना जो बना रहा है, चाइना जो रणनीति बना रहा है, योजना बना रहा है, चाइना जो वहाँ काम कर रहा है, उसको बिल्डअप शब्द का मिलिया है, एंड क्लैशेस, क्लैशेस और वहाँ जो झड़प हुई है, फेस ऑफ हुए हैं, झगड़े हुए हैं, क्लैशेस विद इंडियन ट्रूप्स, किसके साथ, क्लैशेस का मतलब होता है क्वरल, झगड़े होते हैं, किसके साथ, भारतीय ट्रूप सेनाओं के साथ, ट्रूप्स का मतलब होती है सेनाओं के साथ, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, जिसमें कौन शामिल है, द गलवान वैली इंसिडेंट भी उसमें शामिल है, जो कब हुई थी, ऑन जून 15, जिसमें इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स वर ब्रूटली किल्ड, जिसमें 20 भारतीय जवान वर ब्रूटली किल्ड, निर्दय तरीके से मारे गए थे, वार ब्रूटली, ये एडवर्ब है, किल्ड वर्ब है, और ये जो वर्ब इसके लिए है, वर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वो इसका सेंटेंस है, वर किल्ड, जो मारे गए थे, जो क्या शामिल करते हुए भी, गलवान घाटी की जो इंसिडेंट है उसको भी शामिल करते हुए, जो कब हुई थी, 15 जून को हुई थी, जिसमें क्या हुआ, 20 सैनिक मारे गए थे, हैड अ लार्जर कंटेक्स्ट, उसका एक विस्तृत संदर्भ है, उसका एक बड़ा मतलब है, उसके बड़े मायने हैं, पहली बार जब से क्लैशेस की रिपोर्ट आई है, जब से ये स्टैंड ऑफ गतिरोध की बातें हुई हैं, तब से लेके पहली बार स्टेटमेंट आया है MEA का, जो सिग्नल देता है, जो संकेत करता है, देखो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, कि द स्टेटमेंट, यहाँ से इसका सेंटेंस है, सेड पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, जो पहली बार, कब से ये सब होने के बाद पहली बार आएगा, पहली बार हुआ है, वो ये हमें क्या करता है, सिग्नल देता है, ये संकेत देता है, क्या है, कि हैड ए लार्जर कंटेक्स्ट, कि इन सब चीज़ों का एक बड़ा मतलब है, किन किन सब चीज़ों का, किन सब चीज़ों का भी, चाइनीज बिल्टअप, चाइना जो वहाँ सीमा पे कुछ बना रहा है उसका, और क्लैशेस जो झड़प हो रही हैं किसके साथ, चाइना की भारतीय ट्रूप्स के साथ, जिसमें गलवान वैली की जो घटना थी उसको भी शामिल करते हुए, इन सब का एक बड़ा मतलब है, इनके बड़े मायने निकलते हैं, यानी एक रूटीन बात नहीं है, इसके बड़े मीनिंग है, बड़ा मायने, मूविंग अवे फ्रॉम, मूविंग अवे दूर हटते हुए, मूव MOV मूव यानी हटना चलना होता है, मूविंग अवे फ्रॉम कहाँ से, प्रीवियस पहले वाले स्टेटमेंट से अलग हटते हुए, यानी उनसे एक दूरी बनाते हुए, यानी उनसे थोड़ा सा अलग, दैट अल्यूडिड, अल्यूडिड का मतलब सजेस्ट करना, संकेत के रूप में कोई कहना, सजेस्ट करता होता है, इम्प्लाई वर्ड होता है एक, IMPLY इम्प्लाई, ये भी एक होता है संकेत करना, दैट सजेस्ट, जो क्या करता है, सजेस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट्स दैट अल्यूडेड टू द क्लैशेस, जिसने क्लैशेस की तरफ संकेत किया था, उनको क्या बताया था, एज क्वाइट रूटीन, पहले जो हमारे मई में क्लैशेस हुए थे, पहले जो संकेत थे, पहले जो बात थी, मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट से दूर जाते हुए, जिन स्टेटमेंट से, कौन से पहले वाले स्टेटमेंट्स ने संकेत दिया था कि जो झड़प हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है इन मई में, एज क्वाइट रूटीन, वो बिल्कुल रूटीन की बात है, एंड बोर्न फ्रॉम डिफरेंसेस इन परसेप्शन ऑफ द LAC, और वो किसकी वजह से पैदा हुए हैं, बॉर्न, देखिएगा BORNE, दो वर्ड होते हैं, BORN होता है, एक तो ये वर्ड होता है BORN, एक होता है BORNE, दोनों ही जो है थर्ड फॉर्म है बेयर की, BEAR, बेयर की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है जन्म से, जो कोई बच्चा जन्म लेता है ये स्पेशली उसके लिए आता है, और इस बोर्न का अर्थ होता है जनित, बच्चे को छोड़ के कोई और, जिस तरीके से एक वर्ड होता है वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न BORNE, वाटर बॉर्न, तो पानी जनित, जो जल जनित होते हैं ना, उसको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, BORNE, वाटर बॉर्न डिजीज, तो क्या कह रहा है देखिए गए, उनको क्या बताया था, वो एज रूटीन बताया था पहले तो, एंड बॉर्न फ्रॉम, जो कहां से पैदा हुए, जहां से जनित है, कहां से, फ्रॉम डिफरेंसेस, मतभेद हैं इन परसेप्शन, धारणा में, समझने में, ऑफ द LAC, पहले तो उनको बताया कि सब चीजें रूटीन हैं, जो किसकी वजह से पैदा हुई है, डिफरेंसेस, जो मतभेद हैं किसमें, LAC को समझने में, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा बनाना, विश्वास करना, समझना, कि LAC को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ठीक से समझने में जो दिक्कत आ रही थी, उस वजह से ये रूटीन हो सकता है,
लेकिन अब उसके विपरीत, उससे दूर हटते हुए, मूविंग फ्रॉम दैट, द एम ई ए सेड, एम ई ने कहा है दैट की पी एल ए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पाकिस्तान की उसकी चाइना की आर्मी का नाम है, पी एल एज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, दिस ईयर, इस साल, वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, वो पास्ट के व्यवहार से शिफ्ट है, पहले जैसा हुआ करता था उससे अलग है, शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट यानी उससे क्या है, अलग है। इट ऑल्सो एडमिटेड, इट कौन है यहाँ, एम ई ए, एम ई ए कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। इट ऑल्सो एडमिटेड, इसने ये भी स्वीकार किया है दैट की, दैट की होता है, द चाइनीज साइड हैड बिल्ट अप, चाइना की साइड में हैड बिल्ट अप, उसने बना लिया है, देखिए यहाँ एडमिटेड है, इसका मतलब यहाँ फिर आप लोगों को हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, यहाँ से कई बार एरर में क्वेश्चन आता है, समझिएगा, यदि यहाँ आपने पास्ट सिंपल लिख दिया, अब इससे पहले की कोई बात होगी तो आपको वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ने लिखना ही होगा, इसको सिक्वेंस ऑफ द टेंस कहते हैं, एस ई क्यू यू ए एन सी, सिक्वेंस ऑफ द टेंस इसको कहा जाता है, ग्रामर में आप लोगों को पढ़ना होता है, ये एरर में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। इट ऑल्सो एडमिटेड दैट द चाइनीज साइड हैड बिल्ट अप लार्ज आर्म्ड प्रेजेंस, उसने एक विस्तृत आर्म्ड प्रेजेंस यानी सशस्त्र उपस्थिति वहां बना ली है, सशस्त्र उपस्थिति का मतलब आर्म्ड प्रेजेंस यानी वहां लंबी चौड़ी मात्रा में सेना की उपस्थिति है, सिंस अर्ली मे, कहां से, मे के प्रारंभ से ही उसने वहां बना ली है, मेकिंग इट क्लियर, ये स्पष्ट करते हुए दैट कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट हैज हैड मच टू वरी अबाउट, ये स्पष्ट करते कि भारत की जो रणनीतिक संस्थाएं हैं, स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट जो है, रणनीतिक जो संस्थाएं हैं, हैज हैड मच टू वरी अबाउट, उसको बहुत ज़्यादा है चिंतित करने जैसा, यानी उसके पास चिंता करने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उसने जो एलएसी है उसके पास एक लंबी चौड़ी मात्रा में क्या कर लिया है, आर्म्ड प्रेजेंस है वहाँ, इसलिए भारतीय जो स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है उनको चिंता करने की आवश्यकता है, उनके पास चिंता करने जैसा बहुत कुछ है, ये था इसमें। देयर आर अदर शिफ्ट्स ऑफ नॉट, देयर आर, ये देखो देयर में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब बाद में सब्जेक्ट होता है, पहले वर्ब होती है, तो ये जो आर आया है किसकी वजह से आया है, शिफ्ट्स की वजह से आया है, और भी, देयर आर अदर शिफ्ट्स ऑफ नॉट, शिफ्ट ऑफ नॉट का मतलब होता है और भी बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला है, शिफ्ट ऑफ नॉट का मतलब ये होता है, वाइल, जबकि ईच ऑफ द एम ई एज सेवरल रेफरेंसेस, वाइल, जबकि, यद्यपि, वाइल का मतलब क्या है यहाँ, जबकि या यद्यपि होता है, ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ईच ऑफ, ईच ऑफ यानी किस में से, अब इसके बाद देखो आपको प्लूरल मिलेगा कहीं भी, ये देखो रेफरेंस आ गया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल मिलता है, ये देखिएगा रेफरेंसेस आपको प्लूरल मिल गया, ईच ऑफ एम ई ए सेवरल रेस्पॉन्सेस, एम ई ए के अनेक रेफरेंसेस, उनकी जो अनेक बातें थी, अनेक संदर्भ थे, उनमें से प्रत्येक रेफरेंसेस टू द सिचुएशन एट, और वो रेफरेंस किसको लेके थे, संकेत किसको लेके थे, सिचुएशन को लेके थे एट एल ए सी, कहाँ, एल ए सी पे जो सेवरल रेफरेंसेस थे, किसको लेके, सिचुएशन को लेके, हालात को लेके एल ए सी पे, उसमें से हर एक, ईच, ईच यानी उनमें से हर एक, एंड जून, मई और जून में, हैड मेंशनड, उस हर एक में मेंशन किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, डायलॉग एज द वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का जो रास्ता बताया है उसमें डायलॉग बताया है कि आगे क्या होने वाला है, डायलॉग से हम आगे बढ़ेंगे, डायलॉग से हम आगे बढ़ेंगे, इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, जबकि, देखो वाइल यहाँ से शुरू होता है, जबकि पहले जो थे मई और जून में जितने भी एम ई ए के रेफरेंसेस आए थे, संकेत आए थे किसको लेके, एल ए सी भी सिचुएशन को लेके, उनमें से प्रत्येक, हर एक में यही बताया गया था कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो क्या है, डायलॉग है, लेकिन इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन इसके जो अद्यतन, सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, यानी हाल ही के जो स्टेटमेंट है, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एल ई टी एस टी, लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या है,
जो समय में सबसे बाद में हो उसको लेटेस्ट सुपर लेटिव डिग्री है, लेट की एल ए टी, ठीक है। एक लेट की लास्ट भी होती है एल ए एस टी, लास्ट, ये भी लेट की सुपर लेटिव डिग्री है और लेटेस्ट भी लेट की सुपर लेटिव डिग्री है। इस लास्ट का मतलब क्रम में जो सबसे अंत में हो और इसका समय में सबसे अंत में हो। इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट मेक्स, देखो स्टेटमेंट सिंगुलर है, मेक्स इट क्लियर, वो क्लियर करता है दैट इट इज चाइनाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर, कि ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, रिस्टोर करना, रिस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी, क्या करना अलोंग यानी किस पे, एलएसी पे पीस शांति और ट्रैंक्विलिटी भी शांति होती है जो और गहरी शांति होती है। पीस और ट्रैंक्विलिटी ज़्यादातर साथ सजने वाले शब्द होते हैं, जब जहीं कहीं शांति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो पीस के साथ साथ एक वर्ड और लिया जाता है ट्रैंक्विलिटी। कहाँ, अब ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, क्या करे वो बहाल करे, क्या है एल ए सी पे बहाल करे, किसको, शांति व्यवस्था को बहाल करना, अब ये किसकी जिम्मेदारी है, चाइना की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ वर्ड हमने देखे थे, इसमें रेफरेंस के साथ टू आता है, रेफरेंस टू ये आता है, उसके बाद लेटेस्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया सुपरलेटिव डिग्री है। चाइनाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर, रिस्टोर का एक आधा मीनिंग देख लो, एक जिस तरह से वापिस उसका रिनस्टेट वर्ड होता है, रिनस्टेट आर ई आई एन रिनस्टेट एस टी ए टी, रिनस्टेट एक वर्ड होता है इसको याद रख लेना, मैं आर ई आई एन एस टी ए टी रिनस्टेट वर्ड होता है इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। अब ये विदाउट सेटिंग फर्दर डायलॉग, किसका उदाहरण नहीं देते हुए, सेटिंग का मतलब होता है उद्धृत करना, अब आगे किसकी बात नहीं करते हुए, और ज़्यादा डायलॉग की बात नहीं करते हुए सीधा कहता है कि अब ये चाइना की जिम्मेदारी है। एक वर्ड यहाँ फर्दर को समझ लेना, एक वर्ड फार्दर होता है एफ ए आर टी एच ई आर, एक वर्ड फर्दर होता है, फर्दर का मतलब एडिशनल अतिरिक्त होता है, फार्दर का मतलब दूरी में आगे के लिए आता है। एक वर्ड साइट होता है सी आई टी साइट, बता दिया एग्जाम्पल देना होता है, एक एस आई जी एस टी साइट दृश्य दृष्टि होता है, ठीक है। तो ये वर्ड एक एस आई टी साइट भी होता है, साइट स्थान के लिए होता है, बिल्डिंग वगैरह नहीं उस साइट पे किया हुआ, तो एस आई टी साइट स्थान होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी है। इट वॉन्ट, इट कौन है, इट वॉन्ट एम ई ए, एम ई ए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इट वॉन्ट उसने संकेत, वॉन्ट यानी उसने सचेत किया है, वार्निंग दी है दैट की अ कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसका कंटिन्यूएशन, इसको लगातार बने रहना वुड ओनली विशिएट द एटमोसफियर, वो केवल मामले को वातावरण को बिगाड़ेगा, फॉर द रिलेशनशिप किसके लिए, संबंधों के लिए वातावरण को बिगाड़ेगा, इंडिकेटिंग ये संकेत देते हुए दैट की द करेंट स्टेटस क्यो इज अनएक्सपेक्टेबल, करंट यानी हाल ही की स्टेटस क्यों का मतलब स्थिति है, इज अनएक्सेप्टेबल कि उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है उसको स्वीकार नहीं किया, वो अस्वीकार्य है। उसने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आगे चलती रही तो सिचुएशन क्या होगी, और भी विशिएट होगी, विशिएट का मतलब होता है चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देना, विशिएट का मतलब होता है जिसको आप एक वर्ड कह सकते हैं, विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, एस पी ओ आई एल स्पॉइल कर देना, ठीक है। वर्सन डब्ल्यू ओ आर आई सी एन, वर्सन का मतलब भी क्या होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको क्या कहते हैं ये कहते हैं विशिएट का मतलब, ठीक है। डिटेरियोरेट भी एक वर्ड होता है, आप चाहें तो डिटेरियोरेट भी नोट कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो चीज़ें क्या होंगी और ज़्यादा खराब होंगी, चीज़ें सुधरेंगी नहीं, ज़्यादा खराब होने वाली हैं। इन डिटेलिंग, डिटेल करते हुए विस्तृत रूप से बताते हुए द नंबर ऑफ क्लेशेस, झड़पें झगड़ों की संख्या, मुठभेड़ की संख्या को बताते हुए द यूज ऑफ अनऑथोराइज्ड वॉयलेंस, और अनाधिकृत वॉयलेंस का यूज करते हुए कब, ऑन जून 15, इसके बारे में गहराई से बताते हुए, एंड द सीर नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी एमएस, सीर का मतलब होता है इसको याद कर लेना भाई, सीर नंबर ऑफ, सीर नंबर ऑफ इसका मतलब होता है ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ इसका सिमिलियर वर्ड है बस ये ग्रेट नंबर ऑफ का, यानी बहुत अधिक मात्रा में, क्या करा है अभी किसकी डिटेलिंग करते हुए, किसको विस्तृत रूप से बताते हुए, नंबर ऑफ क्लासेस, यूज ऑफ अनऑथराइज्ड वॉयलेंस, वहाँ अनाधिकृत हिंसा की बातें कब, जो जून को हुई है 15 को,
एंड द सी नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी, और वहाँ सेना की और हथियारों की बड़ी संख्या में एमस्ट कम द कलेक्टेड सी ओ डब्ल्यू जो वहाँ इकट्ठे किए गए हैं, गेदर्ड किए गए हैं, एंड द गवर्नमेंट इज ये करते हुए, ये सब बताते हुए द गवर्नमेंट इज पॉइंटिंग आउट, गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है दैट की, इशारा कर रही है, बता रही कि चाइना हैज वायलेटेड, चाइना ने वायलेट किया है एवरी एग्रीमेंट, हर एक समझौते को ऑन बॉर्डर पीस, बॉर्डर पीस पे जो समझौते हुए हैं, दैट द टू डिकेड्स हैव कमिटेड, दैट द टू साइड्स, दैट जिस पे दोनों साइड कमिटेड रही हैं, प्रतिबद्ध रही हैं, कब से, सिंस 1993, 1993 से जिन समझौतों पे दोनों साइड कमिटेड रही हैं, उस हर एक को इसने क्या किया है, भंग किया है, उस हर एक को वायलेट किया है, उस हर एक नियम कानून कायदे को तोड़ा है, वायलेट का मतलब तो ब्रीच, BREACH, विश्वास, नियम कानून तोड़ने को फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट कह दो, ब्रीच कह दो, एक होता है कंट्रावीन, कंट्रावीन होता है CONTRAVENE, कंट्रावीन एक वर्ड होता है, एक वर्ड इन्फ्रिंज भी होता है INFRINZ, ये सारे वायलेट के वर्ड होते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इन शॉर्ट संक्षेप में द मैसेज इज दैट, मैसेज ये है, क्या मैसेज है इन दिस, नॉट ओनली इज द सिचुएशन एट LAC ऑफ कंसर्न, न केवल सिचुएशन एट LOC ऑफ कंसर्न ये चिंता का विषय है, बट चाइना एक्शंस हैव ऑल्सो प्रोबेबली अनडन, चाइना के जो एक्शंस हैं कहाँ, सीमा पे है, प्रोबेबली संभवतया अनडन, उसने अनडन का मतलब एक तो किसी काम को करना और एक किसी काम को करके खराब कर देना, उसको अनडन कहते हैं। डिकेड्स ऑफ केयरफुल negotiations, जो दशकों के बहुत महत्वपूर्ण सावधानी की बातचीत हुई है ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे चाइना ने संभवतया उन सबको भी मिट्टी में मिला दिया है, उन सबको भी तहस नहस कर दिया है, अंडन कर दिया है, ये है चिंता का विषय। इसमें एक चीज़ देख लेना, नॉट ओनली के बाद यदि वाक्य के शुरू में नॉट ओनली आता है तो उसके तुरंत बाद में वाब आनी चाहिए, इसको इन्वर्जन कहते हैं, और ये आपको बताइए वाब किसके अनुसार आती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले के अनुसार वाब आती है। तो ये आज का हमारा सेशन था, आशा करता हूँ कि सेशन आपको ठीक लगा होगा, यदि ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसको जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।